नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है वत्सल अग्रवाल एंड आज मैं आपके साथ लाया हूँ एक कम्यूटर बाइक और भी फेड वर्जन के अंदर, वो भी सुजुकी की एक प्रीमियम ऑफरिंग। जी हाँ, जिक्सर SF। जी ये जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये जिक्सर SF 150 cc के अंदर है, जिसमें 250 cc भी प्रोवाइड किया जाता है कंपनी द्वारा। बट आज मैं पूरा अपना वॉक अराउंड, पूरा अपना राइडिंग एक्सपीरियंस अपना बाउंड रखूंगा विद द SF 150। तो आज इस पूरी वीडियो में आपको इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इसके राइडिंग पार्ट, इसका माइलेज, कितना माइलेज प्रोवाइड करती है सिटी के अंदर, इसके राइडिंग पोस्चर, आज इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जाने से पहले, अपने अभी तक मोटर गाड़ी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एंड हमें अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको नीचे दिख जाएगा कि हमारे इंस्टा हैंडल्स एंड सोशल मीडिया हैंडल्स सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दो मॉडल्स में मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड एंड एक टॉप मॉडल राइड कनेक्ट के साथ। राइड कनेक्ट की हम बात करेंगे जब थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। एंड सबसे पहले मैं फ्रंट डिज़ाइन की बात करूं तो काफ़ी अच्छा एक फ्रंट डिज़ाइन इसमें मिल जाता है। ऑल LED सेटअप मिलेगा हेडलैम्प्स में एंड जो फेयरिंग का ट्रीटमेंट इसमें दिया गया है वो काफ़ी अग्रेसिव लुक इसे देता है। काइंड ऑफ जो जानता इस बाइक को नहीं जानती वो उसको कहेगी ये काइंड ऑफ मिनी हायाबूसा है। तो ये सब टर्म्स मुझे सुनने में मिले जनता से। एंड आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपके हैलोजन्स हैं, तो मिक्स ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। और फ्रंट सस्पेंशन जो है आपके नॉर्मल आपको टेलीस्कोपिक फोक्स यूज़ करे गए। एंड जो फ्रंट टायर है वो आपका 90 प्रोफाइल का है एंड डिस्क बाइब्री की इसमें यूज़ करी गई है, जो काफ़ी अच्छा इसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करा गया है। तो इसमें सिंगल चैनल ABS आता है, डुअल चैनल का थोड़ा आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे। एक्सपेक्टेशंस थी कि इसमें डुअल चैनल ABS होता तो ज़्यादा अच्छा होता एंड आगे चल के क्या पता इसके अपडेटेड वर्जन में इसका डुअल चैनल ABS आ जाए। तो चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की एंड देखते हैं साइड में क्या इसका मिलता है। तो चलिए अगर बात करूँ इसके साइड डिज़ाइन लैंग्वेज की, तो सबसे पहले मैं आपको साइड का प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा। तो लेंथ काफ़ी अच्छी है इसकी, कॉम्पैक्ट है, तो आपको सिटी मनूवरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात आपसे ज़्यादा इसकी मेन फ्रंट फेयरिंग की, तो ये फ्रंट फेयरिंग देख पा रहे हो, सब ब्लैक कलर प्लस न्योन ग्रीन कलर के एक्सेंट देखने को मिलेंगे। एंड जिक्सर ऐसा बहुत सटली प्लेस किया गया आपका, और जो सुजुकी लोगो है वो काइंड ऑफ रिजेंबल करेगा कि यार जैसे हायाबूसा पर प्लेसमेंट आती है ना सुजुकी लोगो की, वैसे ही यहाँ पर प्लेसमेंट मिलेगी इसकी। और जो सीट हाइट है वो 795 mm की रखी गई है, तो शॉर्ट पैसेंजर्स जो होते हैं उनको भी कोई इशू नहीं आएगा इसको राइड करने में। और ये जो इंजन की ऊपर की फेयरिंग है सारी, ये काफ़ी अच्छा इसको सटली इंजन को प्रोटेक्ट करती है, और आपको सुजुकी ब्रांडिंग यहाँ नीचे देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा इसको सटली लुक्स, इसको काफ़ी अच्छा एक एस्थेटिक अपील इस बाइक को दे रहे हैं। और अब मैं थोड़ा पीछे तरफ आऊँ तो जो पिलियन हाइट है वो थोड़ी सी सीट की ऊपर है एज़ कम्पेयर टू द राइडर सीट। और इस बाइक के अंदर आपको डुअल एग्जॉस्ट मिलेंगे। जी हाँ, ये आपका डुअल एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा साउंड करते हैं। आइए मैं आपको एक बार से एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एक बार। ये आइडल के ऊपर इसकी वॉइस है एंड मैं पर रेफ करूँ अगर तो इसका साउंड मुझे अच्छा लगा एज कम्पेयर टू द नेकेड वर्जन। हालांकि दोनों में इंजन और सब कुछ सेम है बट मुझे आइडली इसका अच्छा लगा। एंड रियर सस्पेंशन में बात करूँ तो ये आपको मोनोकॉक सस्पेंशन मिलेगा, रेड कलर का इसमें यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा एक आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है इस बाइक के अंदर नियॉन ग्रीन एंड रेड का। आइए बात करते हैं इसके रेयर की एंड रेयर में क्या मिलता है उसकी बात करते हैं। तो रेयर में आपको फुल LED ट्रीटमेंट मिलेगा टेल लैंप्स के लिए एंड इंडिकेटर्स जो है वो आपके हैलोजन्स है,
तो ये थोड़ा सा मिक्स मैच कॉम्बिनेशन आपको इस बाइक के अंदर मिल रहा है। और सुजुकी का सडनली यहाँ प्लेसमेंट किया गया स्टिकर का, तो ओवरऑल ये बाइक थोड़ी सी यहाँ से एक्सटेंडेड पोर्शन लगता है बिकॉज ऑफ द टायर। एंड रियर टायर की बात करें तो आपका ये काफ़ी अच्छे प्रोफाइल का टायर है। एंड पीछे जो डिस्क है वो थोड़ी सी छोटी है एज कम्पेयर टू द फ्रंट डिस्क। एंड यहाँ पे आपको ABS नहीं मिलता, तो आप थोड़ी अगर हैवी ब्रेकिंग करते हो तो आपको शायद आपको टायर स्किड कर जाए इसमें। एंड जो एग्जॉस्ट है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्रोम का यूज़ किया गया है, बहुत सटल यूज़ ऑफ क्रोम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है इस बाइक के साथ। तो ओवरऑल जो इसके बाइक का रियर लुक है वो काफ़ी अच्छा है। आइए अब देखते हैं स्विच गियर पे एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या आपको फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो स्विच गियर दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ आपको राइड कनेक्ट एडिशन लिखा हुआ मिला है जो आपको प्रोवाइड करेगा कि आपको उसमें कनेक्टेड फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। अब आगे चलकर हम उसकी बात भी करेंगे। अगर मैं बाइक ऑन करूँ तो फुल स्वाइप अप करता है आपका एंड गो 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 दिखाएगा एंड सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा। यहाँ पे दो बटन मिलेंगे सिलेक्ट के लिए, यहाँ पे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी उनका एवरेज, आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी एट प्रेजेंट बैटरी वोल्टेज ओडोमीटर एंड ट्रिप ए, मतलब मैं आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू टाइप ऑफ दे रहा हूँ उसका। 1315 किलोमीटर्स मैंने इसे राइड किया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये आपको लगा है इस बाइक को राइड करने के बाद। एंड यहाँ पर आपको जो दूसरा मोड वाला बटन है तो इसके थ्रू आप पेयरिंग मोड इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, इसकी सुजुकी की ऐप आती है उसके थ्रू आप इसे कनेक्ट करके इस आपको मैप्स नेविगेशन आपको फोन मैसेजेस सब आप इसके थ्रू आप देख सकते हो। और करूँ बात अब मैं इसके स्विच गियर की तो आपको पास बाय स्विच लाइट कंट्रोल्स इंडिकेटर एंड हॉर्न प्लेसमेंट मिलेगा। एंड राइट साइड में आपको इंजन का स्विच एंड इग्निशन का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर वन टच आपको इसमें इग्निशन मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगता है। और करूँ मैं बात अगर इसके हेडलाइट के थ्रो की तो रात में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसकी हेडलाइट का थ्रो, मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई है इसकी हेडलाइट से। और जो ORVMs है ये भी आपको थोड़ा आगे है आपको क्योंकि फेड वर्जन है तो थोड़ा आगे तरफ प्लेस किए गए एंड इसके थ्रू आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। बट अगर उसे हाई स्पीड में लेके जाओगे अराउंड 90+100 की आप अगर स्पीड ऐसे राइड कर रहे हो तो ये वाइब्रेशंस के थ्रू इस पे आपको नहीं दिखेगा कुछ। तो चलिए बात करते हैं इसके राइड की एंड देखते कैसी है ये राइड करने में। अब तो हाय गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके राइडिंग पार्ट से, देखते कैसी है ये चलाने में। अब आज जो मेरे पास है वो है सुजुकी जिक्सर SF150, तो मतलब ये फेड वर्जन है जिक्सर 150 का। अभी हम आपके लिए पीछे हाल ही में नेकेड वाले का लाए थे रिव्यू, तो आज हम आपके लिए फेड वाला लाएँ। तो आज हम इसके सब कुछ बात करेंगे, इसके इंजन ट्रांसमिशन। तो चलिए स्टार्ट कर लिए मैंने बाइक, वन टच स्टार्ट हो जाती है एंड लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में ही बंदा उल्टा आता है मेन रोड पे। तो सबसे पहले आज मैं इसके सारे फैक्टर से बात करूँगा, इसका इंजन ट्रांसमिशन माइलेज सस्पेंशन राइड क्वालिटी ब्रेकिंग आपके राइड डायनेमिक्स इसके आज सबसे बारे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सस्पेंशन ही बता दूं क्योंकि सस्पेंशन के लिए टेस्टिंग सबसे सामने हमारे आ गई। तो सस्पेंशन इसमें काफ़ी अच्छा इसमें आपको मिल जाता है। तो फ्रंट में आपको इसमें डुअल टेलीस्कोपिक फोर्क्स मिलेंगे एंड रियर में आपको एक सिंगल मोनोकॉक सस्पेंशन मिलेगा पीछे की तरफ। तो जो राइड क्वालिटी ये सस्पेंशन प्रोवाइड करती है फ्रंट में काफ़ी अच्छा है एंड रियर में काफ़ी अच्छा वो कंफर्ट प्रोवाइड होता है। आप इसे थोड़ा हाई स्पीड लेके जाओगे तो राइड क्वालिटी बाउंसी ही होती, तो सॉफ्टर साइड पे आपको सस्पेंशन है बट उसके बाद भी आपकी ऊँची राइड क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको इसमें। अब जो मेन मुद्दा आता है एक 150cc कैटेगरी की कम्यूटर बाइक के अंदर कि भाई इंजन, तो इंजन की बात करूँ तो उसमें 150cc का एक इंजन मिल जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा 13.4 BHP ऑफ पावर एट 8000 RPM के अराउंड एंड 13.8 Nm ऑफ टॉर्क अराउंड 6000 RPM के। तो ये जो इंजन है वो सेम ही है इंजन आपका जो 150 नेकेड आपका आता है जिक्सर के अंदर, तो इंजन में आपको कोई इशू नहीं आएगा। एंड सबसे बड़ी बात कंप्यूटर सेगमेंट में होते हुए माइलेज की मैं बताऊँ तो माइलेज काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है, अप्रॉक्सीमेटली 45 का क्लेम है बट मैं अप्रॉक्सीमेटली 1115 किलोमीटर में राइड कर चुका हूँ नॉन स्टॉप लाइक लॉन्ग टर्म पे। तो मुझे काफ़ी अच्छी से एक्सीलरेशन से दी है लाइक एक फुल टैंक के बाद मैंने अप्रॉक्सीमेटली नॉन स्टॉप राइड करी तो अब रफली अप्रॉक्सीमेटली 400+ किलोमीटर उसमें आराम से लाइक ट्रैवल कर लिया था। तो मुझे माइलेज में तो कोई इशू आया ही नहीं। हाँ एक इसमें इशू आपको ये लग सकता है कि इसकी जो पंचीनेस है एक 150cc मोटर के अंदर जो इसके आपके राइवल्स हो गए लाइक आपका आर 150 पूरी स्पोर्टी नेचर में हो गई
बट जो आपके उसके राइवल जो है वो थोड़ा एक पंच परफॉर्मेंस आपको एक प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू दिस वेरियंट. तो ये एक आपको थोड़ा सा इशू कर सकता है इसके परफॉर्मेंस के अंदर कि आपको पंचीनेस आपको नहीं मिलेगी, आपको लीनियर पावर डिलीवरी मिलेगी, आपको ठीक है पैंट भी या एकदम जो आपको सडन पुल चाहिए वो नहीं मिलेगा. बट ये आपको थोड़ा सा माइलेज ओरिएंटेड बाइक है ये. एंड मैनुअलिटी की बात करते हैं, पेड वर्जन है तो आपको थोड़ा अग्रेसिव राइडिंग पॉस्चर आपको उसमें देखने को मिलेगा. तो ये जो राइडिंग पॉस्चर है वो काफ़ी अच्छा इसे आपको उसके बना देता है एंड आपको थकावट महसूस नहीं होगी इस राइडिंग पॉस्चर पर. लाइक हमने जो संडे राइड्स भी अभी करी है पीछे कुछ, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं आया इसके साथ राइड करने में, हमें थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हुई. एंड रही बात इसके गियरिंग की, तो यस इसमें आपको 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा गियरबॉक्स साइज का एंड क्विक आपका शिफ्ट कर लेता है, आपके हाथ में शिफ्टिंग कर देते हैं. बट स्लिक शिफ्टिंग है, क्लच का ट्रैवल भी बिल्कुल ही हल्का है एंड गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, बिल्कुल बटरी से गियर शिफ्ट है. तो मुझे गियर शिफ्टिंग के अंदर कोई इशू नहीं आया. हाँ अगर आप हायर गियर्स पे हो और आपको पिकअप करनी है बाइक तो थोड़ा सा इशू लगता है कि यार भाई हायर ग्राउंड शिफ्ट करना पड़ेगा पावर के लिए. बट 13.4 पावर कुछ आपको ज़्यादा ऐसी फील होगी नहीं. और रही बात उसकी टॉप स्पीड की, तो यस उसकी टॉप स्पीड 125 और 30 kmh की है. आई नो थोड़ी सी कम है इसकी टॉप स्पीड, पर वही है कि टॉप स्पीड के टाइम पे आपका माइलेज थोड़ा टॉस मिल जाता है टॉप स्पीड के चक्कर में. बट ओवरऑल अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो ये जो ORVMs प्लेस्ड हैं इसके वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे. मतलब इनकी जो पोजिशनिंग है आपको रेयर का व्यू काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करते हैं ये दोनों ORVMs आपको. एंड जैसा कि मैं अपहिल जा रहा हूँ, लाइक लैवर चढ़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं आएगा इसमें चढ़ने में. बाइक आराम से पुल करती है फोर गियर में एंड इंजन की वाइब्रेशन आपको थोड़ी बहुत फील होगी जब आप इसे हायर रेवेंज में लाइक 90+ लेके जाओगे तो आपको पता ही हाँ इसमें वाइब्रेशन है. ओवरऑल मतलब वाइब्रेशन से ज़्यादा पता लगती नहीं है इस बाइक के अंदर. एंड रही बात इसकी 0-100 गेम टाइम की, देखिए 0-100 टाइम में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. लाइक अगर टाइमिंग की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यस इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10 seconds लगेंगे इसको 0-100 टच करने में. एंड आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 gear तक लाना पड़ेगा बाइक को कि बाइक इसीलिए आपको 100 टच कर पाए. अब जैसे मैं 70 तक मैं क्रूज कर रहा हूँ तो मस्त आपके क्रूजिंग जाएगी एंड कोई इशू नहीं आता इसकी राइड क्वालिटी में. मस्त आपका सबको अब्जॉर्ब कर लेगी बाउंड्री आपकी. एंड रही बात इसकी डायनामिक्स की, तो इसके डायनामिक्स की मैं बात करूँ तो लो एंड लैग वेल कंटेनर मिड रेंज तो बेस्ट है इसकी. पंच करने पर अब इसकी जो है मिड रेंज में आती बाइक फुल कर लेती है. एंड आई बात करें टॉपिक तो वो थोड़ा लैक है आपका. लाइक अप्रॉक्सीमेटली 8,900 आर पी एम वो थोड़ा सा लैकिंग लग सकता है ओवरऑल बाइक. बट ओवरऑल जो इसकी डायनामिक्स है सिटी कम्यूट के अंदर आपको बिल्कुल इशू नहीं आएगा. अब जैसे मैंने 4 gear पर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा इसकी गेयर थोड़ी कम होगी गेयर फुल हो जाती बट स्टिल एक बार फिर डाउनशिफ्ट करना इज अ बेटर ऑप्शन. एंड अगर मैं सिटी मैनूवरिंग की बात करूँ तो यस मैनूवर भी काफ़ी अच्छी हो जाती है. इससे कई बार अटेंशन मिलती है बिकॉज ये ज़्यादा पॉपुलर बाइक नहीं है तो लोग देखते हैं एक बार फिर मुड़ते हैं कि यार ये कौन सी है. एंड थोड़ा क्राउड के अंदर मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि यार ये हायाबूसा का मिनी वर्जन है. तो ये वैसे हायाबूसा का दूर दूर का कोई मिनी वर्जन नहीं है बट स्टिल जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है मतलब उनको देखने में अच्छा लगता है कि भाई कौन सी बाइक है ये. एंड अब मैं बात करूँ उसके ब्रेक्स की, तो यस आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे बट सिंगल चैनल ABS मिलेगा इसके अंदर. तो वो थोड़ा ही आपको इशू लगेगा था कि यार डुअल चैनल होता तो और अच्छी ब्रेकिंग आपको इसमें मिल जाती. एंड इसमें राइड कनेक्ट एडिशन है, उसमें स्पेसिफिकली बात करूँ तो राइड कनेक्ट एडिशन आपका इसमें कनेक्टेड फीचर मिलते हैं आपको. इसमें लाइक यहाँ पे जो खाली आप एरिया देख पा रहे हो इसमें आपको नेविगेशन मैसेज कॉल किसका आ रहा है इन सब का डेटा इस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा. बेसिकली कनेक्टेड बाइक का ये फीचर है आपका. एंड ओवरऑल अगर मैं इसके रेटिंग की बात करूँ तो यस ये सेगमेंट में 2nd number का आ जाएगी लाइक गियर अकॉर्डिंगली क्योंकि मैं थोड़ा पंच परफॉर्मेंस चाहता हूँ एक बाइक से इस सेगमेंट में. तो ये थोड़े लैक करती है पंच परफॉर्मेंस बट आप 70-80 पे फुल करिए आपको कोई इशू नहीं आएगा इस बाइक के साथ. एंड मेन बात जब पिलियन की आती है तो पिलियन के साथ थोड़ी थकावट आपको लग सकती है कि आपको थोड़ी थकावट आ रही है राइड करते हुए तो पिलियन में थोड़ा इशू मिलेगा. एंड कॉर्नरिंग की बात करूँ
तो कॉन्ट्रेट स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, अगर कॉन्ट्रेट क्रैशिंग करते हो तो अगर आप कुछ भी मिलता है, हालांकि जो कॉम्पिटिशन है वो क्रैशिंग करते तो प्रोवाइड करता है, बट कॉन्ट्रिंग में आपको कोई स्टेल कॉन्फिडेंस पूरा इंस्पायर करेगी, हालांकि हार्ड कॉन्ट्रिंग में करता भी नहीं मुझे करनी चाहिए, बट ओवरऑल जो डायनमिक्स है अपनी लाइनें पूरी मेंटेन करके चलती है, एंड ब्रेक्स जो है जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड दोनों डिस्क है तो ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छा आपको श्योर फुटेड आपको परफॉर्मेंस देंगे, एंड माइलेज जैसे आपको बताया कि 42-43 KMPL की माइलेज मुझे खुद सिटी के अंदर ये दे रही है। तो चलिए बात करते हैं इसके कंक्लूजन की एंड देखते हैं क्या है इसका कंक्लूजन। तो जैसे कि आपने इस पूरी वीडियो में देखा मेरे एक ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द सुजुकी जिक्सर SF 150, तो जी हाँ मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू प्रोवाइड किया है इसका 1300 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप चलाने के बाद। मैंने इसका हर एक चीज़ एस्पेक्ट को टेस्ट आउट किया, इसका माइलेज, इसका सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, इसकी हैंडलिंग, इसके लुक्स, सब के ऊपर मैंने इसे अच्छे टेस्ट आउट करके एंड मैं फाइनल कंक्लूजन पर आया हूँ कि ये बाइक जो प्राइस पॉइंट आता है 1,75,000 की उसमें इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन ने प्रोवाइड करी है, क्योंकि उसमें जो कॉम्पिटिशन आपको यामा FZS हो गया, आपका पजाची पल्सर हो गई, उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन ये प्रोवाइड कर रही है उन कंटेंडर्स को। हालांकि थोड़ी पावर आपको डल लगेगी इसकी, बट जो माइलेज ये फिर आपको ऑफर कर रही है, फ्यूल एफिशिएंसी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रही है। तो कैसे आपको ये वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM करके ज़रूर बता सकते हैं, एंड इस साथ मैं कहना चाहूँगा आपको अलविदा। तो सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।